नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। अलीपुरद्वार में 6,33,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, जब्त रकम में 1,33,000 नकली, जांच में जुटी पुलिस। अलीपुरद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार देर रात पुलिस ने अलीपुरद्वार के माधर दाबरी चौपती इलाके में छापेमारी कर 6,33,000 नकद रुपए बरामद किए हैं, जिसमें सभी 500 के नोट हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब्त रकम में 1,33,000 रुपए के नकली नोट हैं। आज SP कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बैनर्जी ने कहा कि एंटी क्राइम टीम और अलीपुरद्वार थाने के IC ने विशेष छापेमारी कर ये सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, गिरफ्तार शख्स का नाम ब्रजेन सील है, उसका घर पनियलगुड़ी में है। उसके पास से 6,33,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इन नोटों में 1,33,000 के नकली नोट है, ये 500 रुपए के नकली नोट है। उसकी अंतर्राज्यीय तस्करों से मिली भगत है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। उसे आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। पिछले 2 साल से अलीपुरद्वार में ऐसी घटना नहीं हुई है। पुलिस ने सभी बातों पर गौर कर जांच शुरू कर दी है। पास में ही बांग्लादेश है, ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे बांग्लादेश से कोई मिली भगत तो नहीं है। दूसरी ओर गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को बताया कि वो एक बिजनेसमैन है। असली पैसे के साथ नकली नोट उसके पास कैसे आया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। सिलीगुड़ी में हर्षोल्लास से मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती रविवार को देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के सिलीगुड़ी स्थित दलीय कार्यालय विधान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दार्जिलिंग जिला महासचिव व AICC सदस्य जीवन मजुमदार, सचिव अभिषेक मालाकार, राजीव पाठक, राजेश यादव ने सिलीगुड़ी स्थित कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। युवा नेता रोहित तिवारी, छात्रा परिषद नेता सहनाज हुसैन और कांग्रेस के अन्य सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर महासचिव जीवन मजुमदार ने राजीव गांधी के जीवन की विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कूचबिहार में भाजपा नेता पर चाकू से हमला, आरोप तृणमूल पर। कूचबिहार का दिनहाटा राजनीतिक हिंसा को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। दिनहाटा 2 ब्लॉक के चौधरीहाट ग्राम पंचायत के साडियाल के कुटी इलाके में भाजपा नेता के घर पर हमला करने का आरोप सत्ताधारी तृणमूल पर लगा है। तृणमूल समर्थकों पर BJP कार्यकर्ताओं को पीटने और चाकू मारने का संगीन आरोप लगा है। बताया जाता है कि शनिवार की रात कुछ BJP कार्यकर्ता BJP नेता प्रमोद बर्मन के घर घूम रहे थे। उसी समय अचानक तृणमूल के उपद्रवियों ने आकर उन पर हमला कर दिया। चौधरीहाट क्षेत्र के संयोजक सुब्रत दे की कथित तौर पर पिटाई की और भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल मियां पर चाकू से वार किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। तृणमूल ने दावा किया कि ये घटना आपसी गुटबाजी के कारण हुई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर ताजा बम बरामद, आम के बगान में छिपा कर रखे गए थे बम। पंचायत चुनाव के बाद भी मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर ताजा बम बरामद किए जाने का सिलसिला जारी है। घटना शनिवार सुबह की है। मालदा के विष्णुनगर थाने के कुम्बिरा ग्राम पंचायत अंतर्गत जैनपुर इलाके में ताजा बम बरामद किया गया। इधर बम बरामद होने की खबर मिलते ही बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची, फिर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार की सुबह इलाके के एक आम के बगान के झाड़ियों में बम बरामद किया गया। आम के बगान में बम देखकर विष्णुनगर थाने की सूचना दी गई। पुलिस आई और पूरे इलाके को घेर लिया। बाद में बम स्क्वाड को सूचना दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आम के बगान से 11 कोटा और सुतली बम बरामद किए गए। गाँव के कुछ लोगों ने बताया कि आज सुबह जब वे खेत में काम करने जा रहे थे तो उन्होंने आम के बगीचे में झाड़ियों में बम पड़ा हुआ देखा। बाद में पुलिस ने आकर बम को निष्क्रिय कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पहाड़ पर पार्टी को मजबूत करने में जुटा गोरामुमो। गोरामुमो पूर्वीजन बड़ी संगठन की एक बैठक आयोजित की गई। समष्टि गोरायुमो के अध्यक्ष आमोद लेकंद्री ने बताया है कि बैठक में कुलबिजन बारी समष्टि अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर रही है। समष्टि शाखाओं को फिर से स्थापित की जाती रही है और नई शाखाएं और आनुषंगिक संगठन बनाई जा रही है। सभा में अपर किजोम शाखा को भंग कर शाखा का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शाखा में नए पुराने सभी को शामिल कर पार्टी को मजबूत करने का प्रस्ताव पारित करते हुए धनमनी राय को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह पदम चामलिंग को सचिव और उमेश राय को संयुक्त सचिव चुना गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में हेमंत राय एवं मिचिन तमान, मुख्य सलाहकार के रूप में बुद्ध राय का चयन किया गया है। 14 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चयन किया गया है। उन्होंने कहा, हम अपर किजोम शाखा में गोरामुमो के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घीसिन द्वारा देखे गए सपने को साकार करने के लिए अध्यक्ष माना घीसिन के हाथ को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है।
यही कारण है कि हमने सभी पुराने और नए लोगों को एक साथ लाकर आज शाखा का गठन किया है। 1986 से पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और गोरामुमो अपर किजोम में मजबूत रहेगा। रक्खोला नवीन संघ ने खूंटी पूजा के माध्यम से की दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू। बंगाली का सबसे बड़ा व सबसे प्रिय त्योहार दुर्गा पूजा जैसे जैसे करीब आ रहा है, विभिन्न पूजा कमेटियों की तैयारी जोर पड़क रही है। रविवार को रक्खोला नवीन संघ की दुर्गा पूजा समिति ने खूंटी पूजा कर अपनी 49वीं दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू की। उनका मुख्य उद्देश्य पिछले वर्ष की तरह थीम आधारित पूजा के माध्यम से आम लोगों तक सामाजिक संदेश पहुंचाना है। दुर्गा पूजा समिति के संपादक जयदीप दास ने कहा, पिछले वर्षों की तरह इस साल भी वे थीम पर पूजा करके आगंतुकों को आश्चर्यचकित करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल की थीम सिलीगुड़ी के लोगों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी स्वीकार्य संदेश देगी। खूंटी पूजा के अवसर पर वार्ड नंबर 22 की पार्षद दीप्ता कर्मकार और स्थानीय समाज सेवी धीमान बोस सहित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक और क्लब के सभी सदस्य उपस्थित थे।